ग्लैम विद प्राची, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी वही 4 बजे का टाइम है और मैं फेस वॉश करके आई, फिर मैं रेडी हो गई। मेरा मन किया कि मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। तो बस रेडी हो गई तो फिर मेरा मन किया कि मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना तो मतलब मन भी करता है फिर कुछ करने का, और वीडियो शूट करने का भी मन करता है। वैसे तो अभी घर में ही रहना होता है ना, तो ज़्यादा तैयार होने का मन ही नहीं करता है। जैसे ही हालत में होते हो ना, वैसे ही या तो कैमरा ऑन कर लो या तो फिर बड़ा ना झंझट सा लगता है, क्योंकि गर्मी का टाइम भी है और बाहर जब जाना होता है ना तो अलग एक्साइटमेंट होती है तैयार होने की भी और सब कुछ करने की। तो फिर आज मैंने लिपस्टिक भी लगाई है और अभी मैंने सोचा मैं चलो फाइनली अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी तो मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना है, बस मेरा मन किया तो मैं रेडी हो करके बैठ गई हूँ। रेडी क्या मतलब, कपड़े तो पहनी ही थी, बस मैंने लिपस्टिक लगा लिया है। फेस वॉश तो मैं रोज मतलब 3 बार करती ही करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, मतलब 4 से 5 के बीच में एक बार, मतलब जब दोपहर में लेटते हैं ना फिर इसके बाद उठते हैं तो फिर एक बार मैं फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में ऑयली है, बहुत ही ज़्यादा। और ठंडियों में ड्राई हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन वाली मेरी स्किन है। और ये टी जोन एरिया में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो इसलिए मुझे 3-3 बार करना पड़ता है। वैसे तो गर्मियों में सभी करते होंगे ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग बाहर घूम रहे हैं क्योंकि ये भी ऑफिस से आ गए हैं, और ये ऐसा टाइम होता है ना कि बाहर घूमने का मन करता है। और इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ना शाम के टाइम पे हवा भी चलती रहती है तो फिर मन करता है बाहर निकलो। और मैं दिखा रही हूँ ना चिप्स खाने की खुशी, क्योंकि बहुत दिनों बाद चिप्स खा रही हूँ। मुझे 3 महीना हो गया होगा जब से मतलब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तब से फिर मैंने ये चिप्स वगैरह नहीं खाया हुआ है, क्योंकि वही रहता है ना कि अरे यार कोरोना है, लॉकडाउन है, चलो बाहर का कुछ भी नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें भी ना बाहर की चीज़ों में ही आ जाती हैं, तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज मैंने चिप्स खाया हुआ है, और वो भी 5 रुपए वाला पैकेट है, बहुत छोटा सा, इतने में बस 2-4 चिप्स ही रहती हैं। बाहर घूम रहे हैं और साथ में मैं खा रही हूँ चिप्स, और ये एकदम छोटा वाला पैकेट है, 5 रुपये वाला, दिखाऊँ आपको, इतना छोटा सा है। तो ये जानबूझ करके छोटा सा लाए हैं, क्योंकि अगर बड़ा सा ले आते हैं ना और मैं खोल लेती हूँ तो फिर कितना भी बड़ा हो, खाते जाओ, खाने की जो इच्छा होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है, और पूरा का पूरा ना ख़त्म कर जाना होता है। तो छोटा सा इनफ है, इसमें मन भी भर जाएगा, मन तो नहीं भरेगा इतने में लेकिन ठीक है, और थोड़ा कम रहता है ना तो कम नुकसान करेगा। मुश्किल से इसमें 10 से 15 चिप्स रहे होंगे, जिसमें से 1-2 इन्होंने ले लिया है, बाकी मैं खा लूँगी। और अभी हम लोग घूम भी रहे हैं क्योंकि मौसम आजकल ना बहुत अच्छा हो रखा है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, नहीं भी होती तब भी मौसम ठंडा रहता है। और ना जो ये इवनिंग टाइम होता है ना, ऐसे ना कुछ मंचिंग करने का बहुत मन करता है, तो इसलिए ना मैंने फिर इनसे बोला था कि चिप्स ले आना, तो ये छोटे छोटे वाले पैकेट लाए थे, क्योंकि बड़े वाले लाते तो मैं बड़े वाले पूरे के पूरे एक बार में ख़त्म कर देती। और बहुत टाइम बाद मैं खा रही हूँ, जब से मतलब कोरोना की दूसरी लहर आई और लॉकडाउन लगा मैंने नहीं खाया, 2 से 2.5 महीना हो गया। अभी खा रही हूँ पहली बार। मुझे चिप्स कुरकुरे अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैंने खाना बना लिया है, मेरा पूरा डिनर कंप्लीट हो गया है, और वीडियो मैंने नहीं शूट किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत कॉमन सी डिश बना रही हूँ, इडली बना रही हूँ, जो कि मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं रवे वाली नहीं बना रही हूँ, दाल चावल वाली इडली मैंने बनाया हुआ है, और इडली मेरी पक भी रही है, तो दाल चावल वाली है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी, और रवे वाली की कंपेयर में रवे वाली जल्दी पक जाती हैं। और इधर मेरा सांभर भी रेडी हो गया है, बहुत सारी मैंने सब्जी डाली हुई है, लेकिन मेरा मन कर रहा है चटनी के साथ इडली खाने का, तो मैं बना रही हूँ चटनी, वो भी कौन सी वाली, ये वाली, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरा मन कर रहा है ऐसे, ये ड्राई मैंगो पाउडर वाली जो चटनी रहती है ना, जैसे समोसे की चटनी रहती है, उसके साथ मेरा इडली खाने का मन कर रहा है, तो मैं इसको ही बनाऊंगी। और
बचपन में मैं ऐसे बहुत खाती थी, ऐसे ना इडली बना करके पाउडर वाला पैकेट मंगा लेती थी ना, तो काफी टाइम तक चल जाता था। और ये वाली चटनी बना करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा सा ना खट्टी खट्टी चटनी रहती थी और इडली। तो आज मेरा वैसे ही खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा मैं नमक इसमें डाल दूंगी और मिर्ची लहसुन कुछ नहीं डालूंगी इसमें, बस इसको डाल करके बना लूंगी। और सांभर को मैं बंद भी कर दे रही हूँ, पक गया है। थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोग को देख करके, क्योंकि नॉर्मली इडली के साथ या तो नारियल की चटनी, या तो मूंगफली की चटनी, या तो फिर जो चने की दाल वाली चटनी बनती है ना, वो वाली सब खाते हैं। मुझे नहीं लगता है जल्दी किसी ने ऐसी ये वाली चटनी खाई होगी इडली के साथ। तो हमारी पसंद थोड़ी सी अजीबोगरीब टाइप वाली है। तो ये गाढ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। हमारा डिनर हो गया है और अभी अब इतना ज़्यादा हो जाता है ना, हैवी मतलब हो जाता है। इडली जब भी बनाओ ना तो नाना कहते कहते ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है कि कितनी इडली खाना है या कितनी नहीं। और जब फिर बन जाती है जितनी, तो मन करता है कि अब इनको फेंकना क्या, चलो खा ही लेते हैं, एक दो अगर एक्स्ट्रा हैं तो खा लेते हैं। ऐसे करते करते ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और जो रवे वाली इडली रहती है ना, उसकी कंपेयर में ये चावल वाली थोड़ा ज़्यादा हैवी रहती हैं। वैसे तो जो साउथ इंडियन फूड होता है थोड़ा लाइट वेट ही होता है, चाहे डोसा हो, चाहे इडली हो, चाहे उत्तपम हो, चाहे पनियारम हो। हमने जितने टाइम चेन्नई में हम रहे ना, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और मुझे मतलब ऐसी लत लग गई थी ना डोसा इडली वाली, कि मतलब बाहर के कुछ खाने के नाम से सिर्फ डोसा इडली, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती थी। और पिज़्ज़ा वगैरह तो मैंने आप लोगों को बताया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मतलब खा लेती हूँ थोड़े बहुत, बट उतना पसंद नहीं है। तो यही मेरे पास एक ऑप्शन रहता था डोसा इडली की, जब कभी हाँ चलो हफ्ते में एक बार बाहर का कुछ खाना है तो डोसा इडली। ये भी परेशान हो गए थे एक टाइम बाद कि तुमको मतलब बाहर के खाने के नाम पे बस डोसा इडली, उसके अलावा तुम कुछ और बोलती ही नहीं हो। और मेरे चक्कर पे कई बार इनको भी वही खाना पड़ जाता था, कई बार क्या ज़्यादातर वही खाते ही थे, क्योंकि फिर जो आता है तो वही खा लेना होता था। और कई बारी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था इनका, कुछ पिज़्ज़ा टाइप का खाने का मन करे तो फिर मैं मजबूरी में खा लेती थी। मुझे बर्गर अच्छा लगता है, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज अच्छा लगता है। आई डोंट नो पिज़्ज़ा में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना अलग अलग, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है इतना। और अभी हम मैंने सोचा मैं अपने वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी रात के वही 9:30 बज रहे होंगे, तो आज हम लोग का थोड़ा सा लेट भी हो गया है डिनर, वरना पता ही होगा मैंने कई बार बताया 8 बजे तक हो जाता है, 8:30 बजे तक, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि पहले हम लोग बाहर घूमते रह गए और फिर बैठ करके बातें बातें करने लगे, ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा हो गया टाइम। और सांभर बनाने में ऐसा होता है ना कि सारी सब्जी कट करो, दाल चढ़ाओ, फिर वो थोड़ा पकने में टाइम लेता है, ऐसे ऐसे टाइम निकल जाते हैं। और अभी हम मैं वीडियो का एंड करूँ, इसको चेंज करूँ, क्योंकि अभी रात में ऐसा होता है ना कि रात में मन करता है कि जो मतलब नाइट वेयर होते हैं ना, सिंपल सा लोअर टी शर्ट, उसमें ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहना होता है। ये सब तो वैसे ठीक है कि आप दिन भर पहने रहो, लेकिन रात में कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और लोअर टी शर्ट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और कपड़ा कंफर्टेबल रहता होगा।
ढीली ढीली सी टी शर्ट डाल लो, ढीला ढीला सा लोअर डाल लो। तो बस अभी जाऊंगी मैं, चेंज करूंगी, फेस वॉश भी करना है मुझे। और गर्मियों में मतलब आप कितना भी फेस वॉश करो, 2-3 घंटे बाद ना फेस बड़ा चिपचिपा चिपचिपा सा, ऑयली ऑयली सा लगने लगता है। और मेरी लिपस्टिक भी छूटी गई है। वैसे ये मैट वाली थी ना, तो उतनी ज़्यादा नहीं छूटी है, लेकिन हाँ खाने में थोड़े बहुत ये जो जगह होती है ना, यहाँ से छूट जाता है। और मैट वाली लिपस्टिक में यही दिक्कत रहती है कि वो कहीं लगी रहेगी, कहीं छूट जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई टाइप की रहती है ना, तो जहाँ पानी पड़ता है वहाँ की छूट जाती है, बाकी जगह लगी रहती है। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।